पिछले वर्षों में जो भी स्पिनर ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर गया ओवरसीज स्पिनर, उसके हाल बेहाल रहे। आप अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड के एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है मिचेल सेंटनर, उनके हाल बेहाल रहे, उनको कोई कामयाबी जो है कामयाबी से बहुत दूर रहे। इसी तरह ऑफ स्पिनर हैं मार्क क्रेग न्यूजीलैंड के, वो भी नहीं चले और दोनों ने कुल मिलाकर 3 विकेट दोनों के हिस्से आए, टोटल 3 विकेट। उसके अलावा पाकिस्तान के एक धासू लेग स्पिनर माने जाते हैं यासिर शाह जो है पिछले साल गए थे और 197 रन उन्होंने खर्च किए, कोई विकेट नहीं उन्हें मिला, विकेट के लिए तरसते रह गए। इसी तरह से दक्षिण अफ्रीका के बाएं हाथ के कलाई के फनकार माने जाते हैं तबरेज शमसी, उनका हालत भी बहुत खराब रही है और उन्होंने 2 विकेट हालांकि उनको मिल गए लेकिन 75 का उनका औसत रहा, यानी 150 रन देकर 2 विकेट उन्होंने चटकाए। इसके अलावा मोइन अली इंग्लैंड के ऑफ स्पिन गेंदबाज, उनका एनालिसिस अगर आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे, 29 ओवर में 99 रन उन्होंने खर्च किए, विकेट कोई नहीं मिला। हालांकि इकोनॉमी इतनी बुरी नहीं है लेकिन विकेट चटकाने के मामले में वो बस बाकी बल्लेबाजों को ताकते ही रह गए, कोई विकेट उनके हिस्से में नहीं आया। अगर पुराने हम अपने इंडिया के देखें तो वेंकट राघवन बहुत ही आला दर्जे के ऑफ स्पिनर हुआ करते थे, उन्हें भी कोई बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली ऑस्ट्रेलिया के दौरों में, लेकिन शिवलाल यादव 2 दौरों में उन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास कराया और इरापल्ली प्रसन्ना उनसे भी पहले जो हुए उनका उनको भी ऑस्ट्रेलिया में अच्छी खासी सफलता मिली। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ सफलता नहीं मिलती, नाथन लाइन है उनका उदाहरण आपके सामने है, उनको कामयाबी मिलती है, अपनी कंडीशंस का भरपूर वो फायदा उठाते हैं। और आर अश्विन पिछले दौरे में 1 मैच खेले थे एडिलेड में और उस मैच में उन्होंने कुल मिलाकर 6 विकेट चटकाए थे और भारत जो है वो मैच जीत गया था और 1-0 की बढ़त बनाने में कामयाब हो गया। और उस मैच के बाद अश्विन इंजर्ड हो गए थे, बाकी के मैच नहीं खेल पाए और यही कुछ अश्विन का दुर्भाग्य था। 2014 में जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई थी तो पहले टेस्ट में कर्ण शर्मा को शामिल किया गया था और अश्विन को बाहर बिठाया गया था। तो इससे जाहिर होता है कि ऑफ स्पिनर्स पर ओवरसीज टीमें बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करती, यहाँ पर खास तौर पर आपको जो बॉल है फ्लाइट करनी होगी, फ्लाइट करके आपको हवा में चकाना होगा, यही कामयाबी का राज साबित हो सकता है ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर। और अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया में 27 विकेट हासिल किए हैं अश्विन ने और दशक के सर्वश्रेष्ठ जो खिलाड़ी हैं उनमें उनको नॉमिनेट किया गया है। और अगर हम देखें पहले 50 विकेट सबसे फास्टेस्ट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं तो वो आर अश्विन हैं। इसी तरह से 100 विकेट, 150 विकेट, 200 विकेट, 250 विकेट, 300, 350 जितने विकेट हैं उसमें सबसे अर्लीस्ट विकेट चटकाने वाले अगर कोई गेंदबाज हैं तो वो आर अश्विन हैं। वो बात अलग है कि भारतीय जमीन पर वो बिल्कुल बब्बर शेर की तरह दहाड़ पड़ते हैं, अपने टूट पड़ते हैं अपनी अपोनेंट टीम पर, और विदेश में शायद उतनी ज़्यादा उनको कामयाबी नहीं मिली लेकिन फिर भी अपनी मौजूदगी का उन्होंने समय समय पर एहसास कराया है। अगर नाथन लाइन से देखें हम तुलना करें 390 विकेट उनके नाम है, 365 विकेट अश्विन के नाम है, लेकिन अश्विन के नाम 71 टेस्ट हैं जबकि नाथन लाइन के नाम 96 टेस्ट मैच हैं। और अगर हम बात करें ज़्यादा स्पिन जो है डाइवेशन की कि स्पिन कितनी ज़्यादा होती है तो 4.18 है नाथन लाइन की और 3.13 है अश्विन की। और अच्छी बात यह है कि विकेट पर अटैक करते हैं आर अश्विन लेकिन नाथन लाइन जो है वो थोड़ा सा आउटसाइड दी ऑफ स्टंप पर और फुलर लेंथ पर ज़्यादा केंद्रित रहते हैं। तो ये है कुल मिलाकर दोनों का लबो लुआब। और अगर हम देखें तो नाथन लाइन ने पुजारा को 4 बार आउट किया है, अजिंक्य रहाणे जो है उनको 6 बार आउट किया है, लेकिन वहीं स्मिथ को आउट करने के मामले में 13-14 पारियों में महज 3 बार आउट कर पाए हैं आर अश्विन। तो इससे जाहिर होता है कि नाथन लाइन ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा खतरनाक है आर अश्विन के। तो यहाँ अश्विन को अपनी रणनीति में सुधार करना होगा, लेग स्पिन बॉल डालनी पड़ेगी, जो ऑफ स्पिनर है मूलतः यानी कैरम बॉल पर वो ज़्यादा फोकस करें। हालांकि टेस्ट क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट में कैरम बॉल आमतौर पर कम ही देखने को मिलती है, लेकिन जितना एक लेग स्पिनर प्रभावी हो सकता है उतने ऑफ स्पिनर को काफ़ी पापड़ बेलने पड़ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर। आपकी क्या राय है इस बारे में, अपनी राय से हमें अवगत जरूर कराएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।